नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जय और आप देख रहे हैं जयस्ता न्यूज। मनसुख हिरेन मर्डर केस और एंटीलिया केस में छानबीन कर रही एजेंसी एनआईए ने आखिरकार एक बहुत ही बड़ा खुलासा कर दिया है और इसमें एनआईए की टीम के द्वारा एक एक क्वेश्चन का जवाब भी दिया गया है। जैसे कि आखिरकार मनसुख हिरेन का मर्डर क्यों किया गया, जबकि मनसुख हिरेन और सचिन ओझा के बीच में एक अच्छी फ्रेंडशिप थी, और दूसरी बात कि आखिरकार इस केस के पूरा का पूरा जो कांड हुआ, यानी कि जो पूरी की पूरी वारदात हुई, उसका मास्टरमाइंड कौन है, और तीसरा आखिरकार ये जो कि पूरा का पूरा केस किया गया एंटीलिया केस और मनसुख हिरेन, इसमें सचिन वजे का क्या रोल है। तो आपको बता दूं कि एनआईए के द्वारा जो चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें पूरा वन बाय वन करके सारे क्वेश्चन का जवाब दिया गया है। पहला क्वेश्चन, इस केस का पूरे के पूरा जो वारदात हुआ उसका मास्टरमाइंड कौन है। तो एनआईए के द्वारा सीधा सीधा इस पूरे के पूरे केस का जो मास्टरमाइंड है उसको सचिन वजे को बनाया गया है। दूसरा, आखिरकार एंटीलिया के बाहर इतना बड़ा विस्फोटक पदार्थ आखिरकार सचिन वजे ने क्यों रखा, आखिरकार पैसे का मामला था या क्या मामला था। तो इस पर भी एनआईए के द्वारा लिखा गया है कि सचिन वजे ने अपनी जो सुपर कॉप वाली जो छवि थी, जो कि उसकी स्टार्टिंग में थी, लेकिन उसके बाद जब सस्पेंड होकर वो फिर से ज्वाइन करता है क्राइम ब्रांच को, तो उसको वो चीज़ नहीं मिल पा रही थी जिसकी वजह से उसने ये प्लान किया था और एंटीलिया के बाहर वो विस्फोटक रख के दिखाना चाह रहा था कि वो जो है फिर से उसकी सुपर कॉप वाली जो छवि थी वो फिर से उसको वापस मिल जाएगी, क्योंकि वो इतना बड़ा केस जो है सॉल्व कर देगा। सिर्फ और सिर्फ एंटीलिया के एनआईए द्वारा यह भी लिखा गया है कि सिर्फ और सिर्फ सुपर कॉप की छवि ही दोबारा वो वापस नहीं करना चाहता था, बल्कि मुंबई के धनी लोग जितने थे उनके बीच में झूठे मामलों में फंसाने का डर बैठाना चाहता था, जिससे कि वह भविष्य में पैसों की उगाही बहुत ही आसानी से कर सके, मतलब कि वसूली आराम से कर सके, जो लोग उससे नहीं डरते थे वो डरना स्टार्ट कर दें, इसलिए उसने जो है इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। अब दूसरी बात कि आखिरकार उसने मनसुख हिरेन का मर्डर क्यों कर दिया गया, जबकि पूरा के पूरा उसका प्लान ही था ये सारा के सारा चीज, तो आखिरकार मनसुख हिरेन का मर्डर उसने क्यों किया। तो इस पर भी अपडेट दी गई है एनआईए के द्वारा, जहां पर बताया गया है कि मनसुख हिरेन को सचिन वजे एक बहुत ही कमजोर कड़ी समझता था, मतलब इस पूरे के पूरे केस में अगर कहीं फंसने का डर था सचिन वजे को तो वो था मनसुख हिरेन। यही एक मेन वजह थी जिसकी वजह से सचिन वजे ने प्रदीप शर्मा के साथ में प्लान किया और प्रदीप शर्मा के साथ में प्लान करके कुछ बाहरी गुंडों को लेकर सचिन वजे का मर्डर करवा दिया। ये जो है एनआईए की चार्जशीट में वन बाई वन करके लिखी गई है। वहीं आपको बता दूं, परमवीर सिंह के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दिया है, लेकिन इसमें भी कवर कर दे रहा हूं कि जो परमवीर सिंह हैं उनके ऊपर भी आरोप लगा है, जिसमें साइबर एक्सपर्ट के द्वारा आरोप लगाया गया है कि उसको 5 लाख रुपए दिया गया था उसको जो है 5 लाख रुपए दिया गया था परमवीर सिंह के द्वारा, जहां पर जैश उल हिंद का जो एक रिपोर्ट बनाई गई थी उसमें छेड़छाड़ करने के लिए। तो परमवीर सिंह की जो भी हालत है वो भी इसमें संदिग्ध है, जो कि अभी देखने को आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा जब एनआईए परमवीर सिंह को लेकर पूरी तरह से कन्फर्म करेगी, क्योंकि परमवीर सिंह को लेकर अभी तक एनआईए के द्वारा पूरी तरह से कन्फर्मेशन नहीं दिया गया है, लेकिन और सबको लेकर वन बाई वन करके सबको पूरी तरह से एनआईए ने एक्सपोज कर दिया है और पूरी तरह से पूरे के पूरे केस को सॉल्व कर दिया है कि आखिरकार क्यों और किस लिए ये सारा का सारा कांड हुआ था। आपका क्या ओपिनियन है बाय द वे, आप अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।